आपने मुझे बुलाया? हाँ, संध्या कह रही थी कि तुम किशन को जानती हो। हाँ दीदी, अच्छी तरीके से। तुम उसी के गांव में रहती हो? नहीं दीदी, वो हमारे पड़ोस के गांव में रहता है। अच्छा, कैसा लड़का है वो? एक नंबर का लफंगा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आओ चंद, आज बड़ा खुश नजर आओ तरु। क्या बात बा, लागत कि आज तोहरे बियाह होता। खुश ना रही तका उदास रही। आए यहां एगो तू ही हमके देखे वाला थोड़े बाड़ा, बहुत लोग बा देखे वाला। एगो चेहरा के कतना लोग के देखैबू, घूम फिर के हमरे लगे आइबू। हमरा लगे मोहब्बत के गम नहीं खे, आ तू हमके संभारा इतरा में दम नहीं खे। ए तोहरा के का, अगर चाह दी ना तो तोहरा साथे साथे सब जनी के रस निकाल दे। तहरा से तो मुहे लगावल बेकार। मुहे ना लगेबू तो मोहब्बत के लेमचूस कैसे बा। प्रभु बैठा। ए बुड्ढे, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कचरे का डब्बा? देहाती गंवार कहीं का। प्लेट उठा और रख इसमें। जी ना काका, प्लेट के हाथ मत लगाइया, हमनी के बराती हैं। जा केहू के बाप के नौकर ना। ए मिस्टर, तमीज से बात करो तुम। एक तो खाने का सहूर नहीं, ऊपर से बदतमीजी से बात करते हो। अच्छा तो हमनी के खाए के सहूर नहीं खे। दरअसल बात तो ये बाकी तोहरा लोग इनके खियावे के सहूर नहीं खे। एगो तब पे फैलो सिस्टम रख ले बड़ा लो। अगर इतने तमीज रहित ना तो पाट में बैठा के अपना हाथ से परोस के खियाता लो। बहू, ये क्या तमाशा हो रहा है? देखिए ना बाबूजी, एक तो जानवरों की तरह खा रहे हैं, ऊपर से कुछ कह दिया तो बोलते हैं कि परोस के खिलाओ। अच्छा तो हमनी के जानवर है जा। ए भाई लोग सुना लो, प्लेट नीचे रख दलो, अब तो हमनी के पात में बैठब जा, आई परोस के खियाई है। ए किसनवा चुप, तोरा छोट बड़ के लिहाज नहीं करे, चुपचाप खा रखा और शांति से ब्याह होके दे। नहीं समधी जी, किशन ठीक बोल रहा है, बहू सबको परोस कर खाना खिलाएगी। मैं और परोस के खिलाऊंगी? परोसेगी मेरी जूती बहू। ए भाई लोग, अब तई परोसिया हमनी के बैठ के खाई जाई। पतल ठीक बानू रे भैया, खाना ठीक बानू रे भैया, खियावेली ठीक बाड़ी नू भैया, बनानू लड़ाबू प्रभू। खाना खियावतिया की ईटा से कपार फोड़तिया रे। भगवान विष्णु मंगलम करना, जय जय मंगलम पुंडरीका, जय मंगलाय तनो। शादी ब्याह बहुत बढ़िया से हो गए। समधी जी, मेरी बेटी कभी गांव में रही नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीके मालूम नहीं है, जैसा कि अभी खाने को लेकर समस्या हो गई। मैं नहीं चाहता कि आपके यहाँ भी इस तरह की कोई समस्या हो। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुजाता को उसके साथ में दो चार दिनों के लिए भेज दूं। समधी जी, हमरा घर में पायल के कौनो दिक्कत ना हुई, फिर भी रहुआ दो चार दिन खातिर अपना बहू के हमरा घर में भेजल चाहता नहीं, तो हमरा कौनो दिक्कत नहीं।